हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह ताला के फजल व करम से खैरियत से हूँ। दोस्तों, आज आमिर सुपर लीग सीज़न 2 मैच नंबर 3 लगा हुआ है, आप लोग ये देख सकते हैं। टेक्निकल हमज़ा टीवी, मतलब टीम टेक्निकल हमज़ा टीवी वर्सेस टीम जासर अली का मैच लगा हुआ है, आमिर सुपर लीग का मैच नंबर 3, आप लोग ये देख सकते हैं। तो पहले जो मतलब जो पहली एपिसोड आई थी उसमें कुछ सादगी हमने इख्तियार की थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम अब इसको मतलब अपनी लीग को थोड़ा फास्ट करने वाले हैं। तो आप लोग ये देख सकते हैं, हमने लूडो गेम के अंदर थोड़ा सा क्रिकेट का फ़न भी आप लोगों को दिखाएंगे। तो ये जो आपको 0-0 अभी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ये दरअसल ये क्रिकेट के स्कोर होंगे। मतलब अब हर गोटी के मतलब हर जगह के अंदर आप ये लोग ये देख सकते हैं, मतलब हर डब्बे के अंदर 4-3 आउट, 1-2 नो बॉल, वाइट, इस तरह का सब कुछ मैंने इधर मैंने बना दिया है। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि अब जो कुछ भी होगा वो हम आप लोगों को लूडो के साथ साथ थोड़ा क्रिकेट का फ़न भी आप लोगों को दिखाएंगे। दोनों टीम्स को हर मैच के अंदर 12-12 बॉल्स मिलेंगी और 12-12 बॉल्स के अंदर देखा जाएगा कि किसने कितने ज़्यादा रन बनाए हैं, किसकी कितनी ज़्यादा विकटें गिरी हैं और किसने कितने ज़्यादा आउट किए हैं, आप लोग ये देख सकते हैं। तो अभी अगर टेक्निकल हमज़ा टीवी की अगर बात की जाए तो उसके 20 स्कोर हो चुके हैं बग़ैर किसी नुकसान के, मतलब बग़ैर आउट किए। ये अभी वाइट बॉल थी जिसके 1 स्कोर टेक्निकल हमज़ा को मिल गए। और उसके बरक्स अगर टीम जासर की अगर बात की जाए तो टीम जासर जो है उसका अभी तक सिर्फ 1 ही स्कोर हुआ है 3 बॉल्स के अंदर बगैर किसी नुकसान के। और इसी के साथ टेक्निकल हमज़ा की एक विकेट गिर चुकी है, कमाल का ये मैच लगा हुआ है और शानदार छक्का जासिर अली की जानिब से। अगली बॉल के लिए हो जाते हैं तैयार दोस्तों, और अभी देखते हैं कि क्या होता है। और एक और विकेट टेक्निकल हमज़ा की गिर चुकी है, 22 स्कोर में 2 आउट, पीछे 7 बॉलें रह चुकी हैं। तो अब 7 बॉलें के अंदर अंदर जो टीम जितना अच्छा खेलेगी वही इस मैच की फातह टीम करार पाएगी। अभी आप ये देख सकते हैं 22 स्कोर 2 आउट टेक्निकल हमज़ा के हो चुके हैं और इसी के साथ तीसरी विकेट भी टेक्निकल हमज़ा की गिर चुकी है, 6 बॉलें पीछे रह चुकी हैं। और आप ये देख सकते हैं शानदार चौका जासिर अली की जानिब से। तो आप ये देख सकते हैं जासिर अली के 13 स्कोर हो चुके हैं और टेक्निकल हमज़ा के 22 स्कोर 3 आउट, इसी के साथ जासिर अली की 1 विकेट गिर चुकी है, आप लोग ये देख सकते हैं। अब अगली बॉल के लिए हो जाते हैं तैयार और देखते हैं कि क्या होगा। और इसी के साथ टेक्निकल हमज़ा ने जासिर अली की दूसरी विकेट भी गिरा दी, आप लोग ये देख सकते हैं 13 स्कोर 2 आउट जासिर अली के हो चुके हैं और 28 स्कोर 3 आउट टेक्निकल हमज़ा टीम के हो चुके हैं, आप लोग ये देख सकते हैं। पीछे 5 बॉलें पीछे रह चुकी हैं, आप ये देख सकते हैं इधर लिखा हुआ है टर्न्स लेफ्ट 5 बॉल्स। तो इसी के साथ ये 9 बॉल थी जिसके 1 स्कोर जासिर अली को मिल चुके हैं। जासिर अली अपनी दूसरी गेंद कराते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप लोग ये देख सकते हैं जी। कमाल का मैच लगा हुआ है, कमाल का मैच लगा हुआ है। तो अभी टेक्निकल हमज़ा की बारी है, सॉरी मेरा मतलब बारी है। तो इसी के साथ टेक्निकल हमज़ा की 5वीं विकेट भी गिर चुकी है और पीछे 5 ही विकेटें इसकी दोबारा वापस रह चुकी हैं। और इसी के साथ जासिर अली के 2 स्कोर जो उसको मिल चुके हैं। अभी टेक्निकल हमज़ा की दोबारा से बारी है, अभी देखते हैं कि टेक्निकल हमज़ा क्या करता है। टेक्निकल हमज़ा पीछे 3 बॉलें रह चुकी हैं दोस्तों इस मैच की। तो अभी देखना यह है कि जासिर अभी क्या करने वाला है, जासिर क्या करतब दिखाएगा। और इसी के साथ ये बॉल मिस कर दी जासिर अली ने। अब टेक्निकल हमज़ा की बारी है, टेक्निकल हमज़ा देखते हैं क्या करता है। टेक्निकल हमज़ा ने डबल रन्स बनाए, अभी देखते हैं कि जासिर अली क्या करता है। जासिर ने चौका लगा दिया, कमाल का मैच। इसी के साथ 30 स्कोर 5 आउट टेक्निकल हमज़ा के और 26 स्कोर 2 आउट। और इसी के साथ अभी देखना यह है कि क्या होने वाला है। इसी के साथ 28 स्कोर 2 आउट जासिर अली के और अभी फाइनल शॉट है। अभी देखते हैं कि फ़ाइनल शॉट में 9 बॉल जासिर अली की जानिब से। अभी देखते हैं कि जासिर अली अपनी आखिरी बॉल में क्या करतब दिखाता है और मुझे लगता है कि जासिर अली हार जाएगा। और अब आमिर सुपर लीग सीज़न 2 मैच 3 तक का पॉइंट्स टेबल भी आप लोग देख सकते हैं, जिसमें आमिर टीवी और टेक्निकल हमज़ा नंबर 1 और 2 पर बरकरार हैं। और अब सब टीम्स के एक एक मैच हो चुका है, अब इस राउंड 1 का आखिरी मैच है। टीम सफदर और टीम अलारका का इस मैच का इंतज़ार रहेगा।